अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शक्तास कुकिंग सेंटर। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ स्पेशल मटन करी, जिसे हम बनाएंगे प्रेशर कुकर में। और जितनी ये बनाना आसान है, और पीछे प्रेशर कुकर में तो एकदम झट से बनकर तैयार हो जाती है और एकदम मजे की बनकर तैयार हो जाती है। आपके घर में दावत हो, पार्टी हो, तो आपने जरूर से इस स्पेशल मटन करी को ट्राई करना है। चलिए आइए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर इसके पहले आपने मेरे चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज एक सब्सक्राइब एक लाइक जरूर कीजिए और अपना फीडबैक भी मुझे दीजिए। चलिए आइए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ ले लिया है मटन, इसे अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। मैंने यहाँ थाइस का हिस्सा लिया है तो इसलिए नली वगैरह भी आ गई है, और थोड़ा सा फैट के साथ लिया है तो इसे मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। अभी इसे रख देंगे साइड में और अपने तैयार कर लेंगे दो मसाले। यहाँ मैंने ली हूँ दो बड़ी प्याज रफली चॉप कर ली हूँ, दो हरी मिर्चे इसे मैंने रफली चॉप कर लिया है, 10 से 12 मैंने लहसुन की कली ली हूँ, और 2 से 2.5 इंच अदरक का टुकड़ा है। अगर आप इसमें क्वांटिटी कम या ज्यादा कर सकते हैं। इसका हम बना लेंगे सबसे पहले एक फाइन पेस्ट, अगर इसमें लगा तो हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, नहीं तो फिर जो प्याज का पानी छूटेगा उससे हमारा फाइन पेस्ट हो जाएगा। इसका एकदम इस तरह से फाइन पेस्ट हमारा तैयार हो गया है। एक मसाला तो हमने तैयार कर लिया है, चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। कुकर हमने रख दिया है, इसमें डाल देंगे हम 3 से 4 चम्मच के करीब ऑयल। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, इसमें हम डाल देंगे स्लाइस की हुई प्याज। यहाँ मैंने 2 बड़ी साइज की प्याज ली हूँ स्लाइस की हुई, अगर आपका मटन ज्यादा है तो आप क्वांटिटी थोड़ी ज्यादा कर ले। हमने प्याज को इतना फ्राई कर लेना है कि ये अच्छे से गोल्डन हो जाए। प्याज हमारी हो गई है एकदम अच्छे से गोल्डन, तो हमें इसे फौरन ऑयल से बाहर निकाल लेंगे। ऑयल मैंने थोड़ा सा कम कर दिया है क्योंकि मैंने फुल फैट के साथ मैंने यहाँ गोश्त ली हूँ। सबसे पहले हम डाल देंगे अपना गोश्त। अभी हम इसे 1 से 2 मिनट कंटिन्यू चलाएंगे हाई फ्लेम पे। अभी इस स्टेज पे हम डाल देंगे थोड़े अपने स्पाइसेस। तो यहाँ मैंने एक तेज पत्ता, थोड़े से पास से साथ मैंने काली मिर्च, 2 बड़ी इलायची, 3 से 4 लौंग, 3 छोटी इलायची और 1 दालचीनी का टुकड़ा इसी में ऐड करेंगे। जब ये आहिस्ता आहिस्ता अपनी खुशबू भीनी भीनी छोड़ेंगे तो उससे हमारा फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा गोश्त में। अभी इसे एक मिनट के लिए चला लेंगे। अब सबसे पहले ऐड करेंगे हम अपना मसाला जो हमने पहले वाला मसाला तैयार किया है। इसी टाइम हम डाल देंगे अपने सारे स्पाइसेस। सबसे पहले ऐड करेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, तीखी वाली लाल मिर्च पाउडर, रेड वाली लाल मिर्च पाउडर। इन सारी चीजों को हमने भूनना है, कंटिन्यू स्टर करना है। 2-2 मिनट के लिए हम इसे छोड़ देंगे और 2-2 मिनट के बाद हमने इसमें करछी चला देनी है। इसको भी लीड से कवर करेंगे लेकिन 2-2 मिनट पे हमने इसका लीड हटा करके इसमें चम्मच चला देना है। हमारा मटन भून रहा है जब तक हम सेकंड मसाला तैयार कर लेंगे। सबसे पहले हम इसमें मिक्सी जार में डाल देंगे फ्राइड अनियन, साथ इसमें ऐड करेंगे 1/2 कप के करीब दही, इसमें ऐड करेंगे 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच भुने हुए जीरे का पाउडर, साथ ही में ऐड करेंगे बड़ी सौ। अब इसका एक दानेदार पेस्ट तैयार कर लेंगे। इस तरह एकदम दानेदार एकदम हमारा पेस्ट तैयार हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा मटन पका नहीं है, सिर्फ भुना गया है। आप देख रहे हैं इसका ऑयल भी एकदम सेपरेट होना स्टार्ट हो गया है। इस स्टेज पे हम डाल देंगे अपना सेकंड वाला मसाला। अभी इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। फ्लेम को थोड़ा सा हाई करके हमने इस मसाले को अच्छे से भून लेना है ताकि इसके जो फ्लेवर है वो अच्छे से गोश्त में अब्सॉर्ब हो जाए। ये जो मसाले हैं अच्छे से गोश्त में अब्सॉर्ब हो जाए। इसमें थोड़ा मिक्सी का जार शेक करके हम पानी ऐड करेंगे। 1/2 कप के करीब यहाँ मैंने पानी ऐड किया है। लीड से कवर कर लेंगे इसे। इसमें लगा देंगे, मैं अपने कुकर में लगा रही हूँ 4 सीटी। आप अभी अपने सबके कुकर का सिस्टम अलग अलग होता है, आप अपने कुकर में अपने हिसाब से सीटी लगाइए। मैं 4 सीटी ले रही हूँ तो उसमें अच्छे से मेरा मटन अच्छे से पक जाएगा। बाकी की चीजें हम बाद में ऐड करेंगे इसलिए आप वीडियो को स्किप ना करें। 4 सीटी हमारी हो चुकी है और गोश्त भी हमारा माशाल्लाह अच्छे से पक चुका है। फ्लेम को यहाँ मैंने फिर से ऑन कर दिया है लेकिन एकदम लो फ्लेम पे रखा है। अब इसमें ऐड करेंगे हम
थोड़ी सी कसूरी मेथी हाथों से क्रश करके, ये भुनी हुई कसूरी मेथी है। आधा चम्मच ऐड करेंगे गरम मसाला पाउडर। यहाँ मैं 2 से 3 ड्रॉप्स ऐड कर रही हूँ केवड़ा वाटर के, क्योंकि केवड़ा वाटर और जो कसूरी मेथी का जो कॉम्बिनेशन है वो एकदम जबरदस्त है, आपने जरूर से ट्राई करना है। आप देख रहे हैं माशाल्लाह। इसे हम 2 मिनट के लिए लिड से कवर करेंगे, बस हमने प्रेशर कुकर का लिड नहीं लगाना है। 2 मिनट हो चुके हैं, इसमें ऐड करेंगे फ्रेश कोथमीर। बस हमारा एकदम स्पेशल मटन करी एकदम रेडी है। कर देंगे ऑफ। मैंने अपने हिसाब से ग्रेवी रखी है, आप अपने हिसाब से थोड़ा सा पानी वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, या फिर इससे भी ठीक रखना चाहे तो रख सकते हैं, लेकिन ये मटन करी है तो इसके लिए इससे ज़्यादा ठीक आप अच्छी नहीं लगेगी। फ्लेम को कर देंगे ऑफ, करते हैं प्लेट आउट। बिस्मिल्ला। आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, और आपने भी ज़रूर से ट्राई करना है इस मटन करी को। अगर आपके घर में दावत हो, मेहमान आने वाले हो, तो आपने ज़रूर से ट्राई करना है। ये एकदम बहुत ही लजीज और एकदम टेस्टी बनकर तैयार हो जाती है, और आपने देखा प्रेशर कुकर में इसे बनाना कितना आसान है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरी आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल पर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक भी कीजिए, शेयर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी दुआओं में याद रखिए। Thank you for watching. Allah Hafiz.